नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेट ऑफ वीडियोस जो हम आपके लिए क्यूरेट कर रहे हैं आईसीसी वेमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, विद द वेमेन्स वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर हमने सोचा जो आपके हिस्से की जो रिसर्च है वो टीम प्रीव्यू में, हर टीम के प्रीव्यू में हम वो कवर कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो जो इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियंस हैं टीम इंग्लैंड के बारे में सारी जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता दूंगा। इंग्लैंड की पूरी टीम के स्क्वाड पे नजर डालेंगे, बताएंगे कि उनकी बैलेंस कैसी रहने वाली है और उनके प्रीमियर प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, इस टीम की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, फैंटेसी गेमर की एक एबिलिटी ये रहनी चाहिए कि जब कोई सीरीज शुरू हो रहा है उससे पहले ही वो अपने सेटअप रिसर्च नंबर्स अपने पास रखें, उसी के मुताबिक ये वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको इस टूर्नामेंट के जितने कंटेंडर्स हैं उनकी हर एक की टीम प्रीव्यू आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, इसीलिए प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप उस लिंक पे जाए और जो हमारा फैंटेसी गली का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे दुनिया भर की फैंटेसी क्रिकेट की प्रेडिक्शन, एनालिसिस, पॉइंट्स, प्लेयर्स, कॉन्टेस्ट, सारा सब कुछ मिल जाता है, वो आपकी फैंटेसी गेमिंग की परिभाषा ही बदल देगा, वो फैंटेसी गली का ऐप, तो वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए अब बात करते हैं टीम इंग्लैंड के बारे में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप डिफेंडिंग चैंपियन से। लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्वाड दैट इंग्लैंड वुमेन्स हैव फॉर दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। अगर हम सीधे बात करें तो हेदर नाइट जो है वो मेजबानी करेंगे इंग्लैंड की टीम का, उनके साथ रहेंगे टैमी बॉमन, कैथरीन ब्रंट रहेंगी, फ्रेड डेविस, चार्ली डीन, सोफिया डंकली जो कि यंग अपकमिंग सुपरस्टार है, मैचेस फिनिश कर रही हैं, केट क्रॉस जिनके पास एक्सपीरियंस है जो इन कंडीशंस पे बड़ा सूट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सोफी इकल्स्टन का नाम यहाँ पे है जो कि प्रीमियर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकती है। टैस फेरेंट का नाम आ रहा है, एमी जोन्स है, एमा लैम है, नैट सिवर है यहाँ पे, एनिया श्रब्सोल है, लॉरा विल्फेंड हिल है और डैनियल व्हाइट है, डैनी व्हाइट। अब अगर इस टीम के बारे में हम बात करें तो इनकी बैटिंग जो है बहुत डीप तक है, जब तक आप देख रहे हैं कि सोफिया डंकली जो है वो शायद नंबर 5 या 6 पे बल्लेबाजी करेंगे, उनके साथ केट क्रॉस आएंगी, तो बैटिंग बड़ा डीप करने वाली है ये इंग्लैंड की टीम, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो जैसा टॉप ऑर्डर इनका है, टैमी बॉमन्ट रहेंगे वहां पे, फिर आपको मिडल ऑर्डर में हेदर नाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपके पास नैट सिवर का ऑप्शन मिलेगा, और फिर टुवर्ड्स द एंड जैसा मैंने कहा कि फिनिश करने के लिए आपके पास सोफिया डंकली रहेंगी, समवन लाइक एमी जोन्स रहेंगी और आपके पास ऑफ कोर्स केट क्रॉस का भी ऑप्शन रहेगा, तो बैटिंग काफी डीप करने वाली है ये इंग्लैंड की टीम। इसके अलावा जो इनकी एक अच्छी खासियत ये है कि हमने देखा है कि न्यूजीलैंड में जिन ग्राउंड्स पे ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट खेला जाएगा, अगर आप देखते हैं क्राइस्टचर्च हो गया, ऑकलैंड हो गया, माउंट मैंगनो हो गया, हैमिल्टन, वेलिंगटन, डनेडिन हो गया, ये जो ग्राउंड्स हम देख रहे हैं इनमें मोस्ट ग्राउंड्स में आपको थ्रू आउट द 50 ओवर्स आपको लैटरल मूवमेंट मिलता रहता है, और उसी के ऑलमोस्ट बेताज बादशाह है ये इंग्लैंड की टीम कि इनके पास वैसे सीम फ्रेंडली बॉलर्स बहुत है, तो अगर आप उसमें आप तोलना चाहते हैं तो इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि ये मैच में बने रहें, विकेट लेते रहें, सोफी एकल्सटन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये इनको कंट्रोल भी देंगी, तो अराउंड मैं देखता हूं कि बॉलिंग जो स्ट्रेटजी इनकी काफी काम करने वाली है, और ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि बल्लेबाजी में नंबर 6 नंबर 7 तक अच्छी खासी बल्लेबाजी हो सकती है इस पर्टिकुलर टीम से। अब क्विकली देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 3 प्लेयर्स हैं जो मेरे इस बोर्ड में हैं एट दिस पर्टिकुलर टाइम, हु आर योर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और वो 3 प्लेयर्स के अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम आने वाला है वो है नैट सिवर का, विच इज अगेन आप देखिए जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हम क्या सोचते हैं कि जो आपका सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर है ना उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं,
और नैट सिवर के पास एबिलिटी है कि वो दो रोल बैट के साथ तो जरूर अदा करती है। एक उनके पास एबिलिटी है कि जब एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई है, अगर समान लाइक बॉमंट ऊपर से चल गए हैं तो सिवर जाके क्या कर सकते हैं कि थोड़ा एग्रेसिवली खेल सकते हैं, गैप्स फाइंड करेंगे, थोड़ा बड़े शॉट्स खेलेंगे। इनके पास ये भी एबिलिटी है कि अगर विकेट ऊपर से चली गई है तो ये जाके इनका डिफेंस इतना अच्छा है, गेम सेंस इतना अच्छा है कि ये जाके एक एंड होल्ड करके रख सकती हैं। बॉल के साथ भी इनका एक जॉब रोल बहुत अच्छा है, वो ये है कि विकेट टू विकेट रखती हैं और बोल्ड और एलबी के ज्यादा जो पॉइंट्स है वो आपको वो देंगे डेफिनेटली। तो नैट सिवर का ऑप्शन इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। दूसरे जो प्लेयर हैं फॉर जो गेम चेंजर बन सकते हैं मेरे हिसाब से वो है सोफी एकल्सटन। जी हाँ बिल्कुल, एक स्पिनर मैं पिक कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इनकी जो एबिलिटी है वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में ही है और न्यूजीलैंड में हम आपको बता रहे हैं बार बार कि एक विंड एक फैक्टर प्ले करने वाला है तो उसको बड़ा अच्छा यूज करना सीखते हैं। इनका एक आर्म बॉल बहुत ही अच्छा है और दूसरी बात इनकी ये एक अच्छी बात मुझे लगती है कि इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा देते हैं तो शी डजंट गिव यू एनीथिंग एज फार एज हर बॉलिंग इज कंसर्न क्योंकि विकेट टू विकेट रखती हैं। आपके पास तीन चार फील्डर सर्कल में होंगे तो सिंगल मिलना भी मुश्किल है सोफी एकल्सटन के साथ और तो और फील्डर भी बड़े अच्छे हैं, उस हिसाब से मैं इनको जरूर पिक करूंगा मेरे टॉप थ्री प्लेयर्स में। और तीसरे प्लेयर मैंने एक्चुअली थोड़ा सा एक एक मनी बॉल पिक आप कह सकते हैं डिफरेंशियल पिक मैंने ऑलरेडी लिया है वो है केट क्रॉस का। केट क्रॉस के बारे में मैं बस यही कहूंगा आपको कि देखिए जब यहाँ पे व्हाइट बॉल जब थोड़ा सा सेमी न्यू व्हाइट बॉल होगा और वो सेमी न्यू व्हाइट बॉल शायद यहाँ पे ज्यादा स्विंग करेगा, इसीलिए जब केट क्रॉस गेंदबाजी करने आएंगे तो इनको लैटरल मूवमेंट मिलेगा डेफिनेटली। और क्योंकि देखिए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर इतने अच्छे फॉर्म में है, जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो ज्यादा रन रहेंगे नहीं लेकिन जितने भी रहेंगे इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा रन रेट का, और अगर रहता भी है इनके पास बड़े शॉट्स भी, तो जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे ये सक्सेसफुल भी तभी भी बन सकते हैं और बॉल के साथ जैसा मैंने कहा कि कंट्रोल देते हैं एक कैप्टन को और मिडलोवर्स में गेंदबाजी करेंगे तो वहां पे उनको मूवमेंट मिलेगा। तो ये तीन मेरे प्लेयर्स के वॉच आउट फॉर हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। देखिए इंग्लैंड के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो था लेकिन इसी चैनल पे आपको बाकी सारे जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स है उनके लिए ये वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स में हमारे साथ बात करते रहिए। जैसा मैंने कहा कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक मिलेगा वो आपको डाउनलोड जरूर करना है ताकि दुनिया भर की फैंटेसी क्रिकेट की रेस में आप आगे बढ़ते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट फ्रॉम बाबाशीश एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम, बाय बाय।